गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं इनकम टैक्स के बारे में, और इनकम टैक्स के अंदर हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैंने कुछ आपको इनकम टैक्स के छोटे छोटे टॉपिक आपको समझाए हुए हैं, प्लस पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, जो कि चैप्टर नंबर 1 होता है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में करेंगे, तो पहला जो चैप्टर है वो मैंने पिछले चैप्टर में कवर किया है। और उस लेक्चर के लिए मैंने आपको एक बुक का लिंक दिया हुआ है नीचे, जो इस वाली वीडियो में भी अटैच्ड है। उस बुक को डाउनलोड कर लो। अगर आप सिर्फ उस बुक के ऊपर फोकस करके पूरी पढ़ाई करोगे तो भी यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है। इट इज़ वेरी प्रोफेशनली मेड बुक एंड इट इज़ अपलोडेड फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट तो कहीं के भी हो, बुक्स आर अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ देम। तो ये मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, उस लिंक को आप कॉपी करना, लिंक को क्लिक करना, उसके अंदर आपका आएगा प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट ऑप्शन पे जाके उसको चेंज करना PDF पे और अपने लिए कॉपी डाउनलोड कर लेना, ठीक है दोस्तों। प्रिंट पर निकालना, 200 पेज की बुक है, अगर आप निकालना चाहो तो आपकी बुक है, आपकी मर्जी है। नाउ टुडे इन द क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टैक्स स्लैब्स, जो हमारे किसी भी असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर के लिए जो टैक्स रेट होता है वो कितने हैं 2018-19 के लिए। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल केस के लिए। मैं कैलकुलेटर लेकर आया हूं अपने लिए साथ में, ताकि आपके संग में तो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर पाए। ये मैंने बोर्ड पर आपके सामने कुछ स्लैब्स लिखे हुए हैं। स्लैब्स किसके हैं ये? ये स्लैब्स हैं इंडिविजुअल के। अब याद रखना, जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स में हमारे पास होता है एक पर्सन, जिसको हम क्लासिफाई करते हैं कि इनकम टैक्स के लिए एक पर्सन कौन है। पर्सन वो जो कि SSC बनेगा, SSC हैज टू बी अ पर्सन। अब पर्सन कौन होगा इनकम टैक्स में? इनकम टैक्स में पर्सन होता है एक इंडिविजुअल, मतलब इंसान की औलाद। एक होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF। एक होता है कंपनी, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब कंपनी का मतलब मैसर्स, जिसके आगे मैसर्स लगाओ। जिसके आगे मिस्टर मिसेस लिखा है वो आपका इंडिविजुअल, जिसके आगे मैसर्स लगा वो आर्टिफिशियल। इस तरह से बॉडी ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ बिजनेस, जॉइंट वेंचर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, म्यूनसिपैलिटी, यूनिवर्सिटीज। और उसके अलावा पता है क्या बोलता है पर्सन के डेफिनेशन में, कि अगर इनमें से कोई भी कवर नहीं हुआ तो वो भी पर्सन है, मतलब बचेगा कोई नहीं, सबके सब शामिल किए जाएंगे। तो अभी की क्लास में आपको समझाता हूं इंडिविजुअल के ऊपर कितना टैक्स लगेगा इंडिया के अंदर, जो उसकी इनकम होती है उसके हिसाब से। ये इसलिए समझना जरूरी है कि कई बार स्लैब तो क्लियर है लेकिन सॉल्यूशन कैसे करना है हमें समझ नहीं आता। तो लेट अस अंडरस्टैंड द स्लैब फर्स्ट। तो स्लैब को समझने के लिए पहले मैं आपको समझाता हूं एक छोटी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। हमारे पास तीन तरह के इंडिविजुअल होते हैं, एक जवान, एक थोड़ा कम जवान और एक बूढ़ा, ठीक है। कैसे निकालते हैं इसको हम? एक 60 साल तक का इंसान, एक 60 से लेकर 80 साल तक का इंसान, और दूसरा 80 प्लस। तो इसको कहते हैं हम नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन, ठीक है। इसको ऐसे याद करने के तरीके हैं बस ये। तो अगर आप देखेंगे तो वहां जो स्लैब होते हैं वो तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। यहां पर फोकस करते हैं, ये हमारा पार्ट है इंडिविजुअल जो हमारे अप टू 60 इयर्स तक के लिए है। ये सेकंड पार्ट मैंने लिख के रखा है आपके लिए 60 से लेके 80 इयर्स तक के लिए, और तीसरा पार्ट लिख के रखा है मैंने आपके लिए मोर देन 80 इयर्स ऑफ एज। तो इन तीनों के लिए हमें टैक्स के लिए छूट ज्यादा मिलेगी। जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे टैक्स के अंदर आपको रिलैक्सेशन मिलना शुरू होता है। अब रिलैक्सेशन कैसे है? अगर आप 60 साल तक है, ये जीरो काट देता हूं मैं क्योंकि बच्चे पर टैक्स नहीं लगाते हम लोग, अप टू कर देते हैं, ठीक है, अप टू 60 इयर्स। तो 250,000 250,000 तक पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। वाओ, अप टू 250,000 ऑफ द एनुअल टोटल ऑफ द इनकम, मतलब इनकम फ्रॉम 5 हेड्स। आपके जो 5 हेड होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज, इन सबको अगर ऐड करके जो इनकम आती है आपकी, सब मिला के अगर आपकी सिर्फ 2.5 लाख है, उससे कम इनकम है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन आपकी इनकम अगर बढ़ती है 250,000, मतलब 250,000 से लेके 5 लाख तक जाती है, तो आपको देना है 5% ऑफ टैक्स। 5 लाख से 10 लाख के बीच में आपको 20% देना है, और मोर देन 10 लाख आपको 30% देना है। अब ये टैक्स रेट याद कैसे करें सर, याद कैसे होते हैं, उसका तरीका मैं आपको क्लास इसके एंड में समझाऊंगा। अभी अगर आपको इनकम मालूम है तो टैक्स कैसे निकालेंगे? पूरे इनकम टैक्स में यह याद रखना कि आप टैक्स नहीं निकालते, जो आप स्टडी कर रहे हैं वो टैक्स निकालने के लिए नहीं करते हैं,
वो आप निकालते हैं सिर्फ इनकम। आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे सब में आप टोटल इनकम निकालते हैं, उस टोटल इनकम को जब निकालते हो उस पर टैक्स क्या निकाल लगाना है वो ये है, डिपेंडिंग अपॉन योर एज। अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज आप इंडिविजुअल हैं और आपकी एज है 30 साल, 30 ईयर्स, और आपकी जो सबमिशन ऑफ इनकम आ रही है, मतलब इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स टोटल कलेक्टिव इनकम वो आ रही है आपकी, लेट्स से मैं एग्जांपल ले लेता हूं इसके अंदर 12 लाख। अब 12 लाख की इनकम पे आप कितना टैक्स देंगे? अब जितने हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको डाउट होता है कि सर ये तो स्लैब दे रखा है कि 2.5 लाख तक नील, 2,50,000 से 5 लाख पे 5%, 5 लाख से 10 लाख पे 20%, और 10 लाख से ऊपर गए तो 30%, तो वो क्या करते हैं सीधा निकालते हैं 30%। ऐसे करते ना, ऐसा मत करना। इसको ऐसे समझो कि सीढ़ियां बनी हुई हैं, कुछ सीढ़ियां स्टेयर्स बनी हुई हैं। पहली स्टेयर्स 2,50,000 पे है, दूसरी स्टेयर 5 लाख पे है, और तीसरी स्टेयर 10 लाख पे है। ठीक है, इसको ऐसे लेते हैं। तो यहां तक की जितनी भी इनकम होगी उस पर लगेगा टैक्स निल। अब 2.5 लाख से 5 लाख का गैप कितना है? वो गैप है 2,50,000। उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा? उस पर लगेगा 5%। 5 लाख से 10 लाख का गैप कितना है? 5 लाख। उसके ऊपर कितना लगेगा? 10%। और उसके ऊपर जितना भी लाओगे उसके ऊपर कितना लगेगा? सॉरी, इसके ऊपर लगेगा 20%, और इस पर लगेगा 30%। स्लैब्स हैं, स्टेप्स हैं, स्टेप टैक्सेशन सिस्टम होता है, स्ट्रेट नहीं है। अब स्टेप के अंदर चलते कैसे हैं? मेरे पास 1,20,000 की इनकम है। देखो मैं इसके सामने एक बीकर बनाता हूं, एक जार बनाता हूं, जार। मेरी इनकम है 12 लाख की, तो मैंने क्या किया, इसको ग्लास में डाला। ग्लास के तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो 2,50,000 का है, दूसरा हिस्सा जो है वो 5 लाख का है, और तीसरा हिस्सा जो है वो 10 लाख का है, और उसके बाद ऊपर अबव। तो जब आप 12 लाख की कैलकुलेशन करेंगे तो 12 लाख में, अब इसको प्लीज समझना, सुनना, नहीं समझ आए दोबारा रिवाइंड करना, दोबारा सुनना। इस 12 लाख को सबसे पहले अप टू 2.5 लाख, तो पहले इसमें से गिरेगा 2.5 लाख यहां पे, उसका रेट ऑफ टैक्स कितना है? वो है 5%, सॉरी उसका है निल। तो 2.5 लाख की इनकम तो आपकी खत्म हो गई। देखो यहां पर कैलकुलेशन और करता हूं, यहां पर 12 लाख में से 2.5 लाख तो आपका खत्म हो गया, जिस पे लगा आपका निल। साथ साथ चलाते हैं कैलकुलेशन को, तीन तरीके से समझने की कोशिश करना। अब मेरे पास इनकम कितनी बची? मेरे पास इनकम बची मेरे पास 9,50,000। अब 9,50,000 में से ये जो गैप है मेरा वो कितना है? 2,50,000 का, 2.5 लाख का गैप है। उसके ऊपर मेरा टैक्स रेट कितना है? 2,50,000 जो मेरा गैप है, मल्टीप्लाई रेट यहां पे लिखा है 5%, मतलब 25 लाख, 2.5 लाख पे 5% हो गया मेरे पास करीबन 12,500। टैक्स हो गया मेरे पास सेकंड स्लैब पे। अब मेरी इनकम कितनी खत्म हो गई? 5,27, 7.5 लाख की इनकम खत्म हो गई। यहां से मेरे पास इनकम फिर से 2.5 लाख खत्म हो गई, जिसके ऊपर मेरा लगा 5%। इनकम कितनी रह गई मेरे पास? 7 लाख की। अब इस 7 लाख में से कितना बचेगा यहां पे 5 से लेकर 10 लाख में? 5 लाख, जिसके ऊपर टैक्स लगेगा मेरा 20%, मतलब
सीधा सीधा 1 लाख रुपए का टैक्स लगा आपका यहां पे, तो आपका टोटल टैक्स कितना हो गया अब तक, 1 लाख का टैक्स तो थर्ड स्लैब पे और 12,500 का टैक्स एक बार में। तो यहां से इनकम कितनी खत्म हो गई मेरे पास, 5 लाख। इनकम कितनी बची, 2 लाख की। अभी 2 लाख कहां जा रहे हैं जी, 2 लाख जा रहा है 10 लाख से ऊपर, तो दिख भी रहा है ना कि 12 लाख 10 लाख से कितना ऊपर है, 2 लाख। तो 2 लाख जो बचा मेरा उसके ऊपर मैं कितना टैक्स लगाऊंगा, 30%, मतलब सीधा सीधा 60,000। तो मेरा टोटल टैक्स कितना हो गया, 12,500, 1 लाख 1 और 60,001। इन तीनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास टैक्स आ जाएगा मेरे पास 1,60,000 और 1,72,500। ये मेरा टोटल टैक्स बनता है, ठीक है। एक बार जल्दी से देखो इसको, जहां समझ नहीं आ रहा दोबारा पोज करके सोच के देखो क्या कर रहा हूं मैं। ये एक एग्जांपल और कराता हूं, उससे आपको ये टैक्स स्लैब क्लियर हो जाएगा। उसमें क्या सिर्फ आपको याद रखना है कि आपको एज का ध्यान रखना है। अगर आप 60 ईयर्स तक की एज का निकाल रहे हैं तो ये फॉलो होगा पहला वाला, अगर 60 से 80 निकाल रहे हैं तो दूसरा वाला फॉलो होगा, और 80 प्लस निकालते हैं तो तीसरे वाले का फॉलो होगा, ठीक है। एक बार इसको चेक करो, फिर एक एग्जाम्पल लेके दोबारा कराता हूं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बस आपको स्लैब याद रखने हैं। स्लैब अगर आपको याद नहीं हुए तो प्रॉब्लम होगी सिर्फ आपको, और अगर आपको स्लैब याद है फिर तो आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। कोई चिट्ठी मिट्टी मत लेके जाना कि पेपर में बना के लेके जाओ। सपोज इनकम की बात करते हैं, इनकम है हमारे पास 8 लाख। जब 8 लाख की इनकम दिख रही तो डेफिनेटली ये तो स्लैब नहीं आने वाला, 10 लाख वाला, 10 लाख से नीचे ही है ना। अब इसको कैसे फिल्टर करते हैं देखो, मैं अब इसको दूसरे तरीके से कराता हूं। मेरा पहला स्लैब कितने लाख का है, 2.5 लाख का, तो इसके ऊपर टैक्स कितना है, निल। कितना बचा, 5.5 लाख। मेरा सेकंड स्लैब कितना गैप है, गैप देखना, ठीक है। पहला गैप 2.5 लाख का, दूसरा गैप 2.5 लाख का, तीसरा गैप 5 लाख का, ठीक है। गैप ऐसे है, 2.5 लाख का पहला गैप है, फिर 2.5 का है, फिर 5 लाख का है। अब इसमें 2.5 जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, तो 2,50,000 फिर निकल गया इसमें से। इसके ऊपर टैक्स कितना है, 5%। कितनी इनकम बची मेरे पास, 3 लाख। तीसरा स्लैब कितना है, 5 का, लेकिन ये 3 ही है तो पूरा का पूरा आ जाएगा, तो ये तीसरा अपने आप में थर्ड स्लैब बन गया, दैट इज फॉर 20%। तो टैक्स कितना हो जाएगा मेरा, इस पे निल, दैट इज 0, इस पे 5%, 12,500, और इसके ऊपर 20%, 60,000। तीनों को प्लस करो, 0 प्लस दिस प्लस दिस, तो 72,500 टैक्स, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, फिर एक एग्जांपल लेने के बाद स्लैब का आपका काम खत्म होता है, फिर आप प्रैक्टिस करते रहना इसके लिए। और इसी बुक को डाउनलोड कर लो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको करते रहो बस, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेता हूं, अभी आप साथ साथ करने की कोशिश करो, ठीक है। कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो, या मोबाइल फोन है तो उस पर करो। अब मैं इनकम ले रहा हूं ज्यादा, बहुत ज्यादा ले रहा हूं, ठीक है। मैं इनकम ले रहा हूं 20 लाख की, इनकम है। गैप वही रहेगा, 2.5 का गैप पहला है, दूसरे का 2.5 है, तीसरा 5 लाख है, उसके बाद अबव है। तो सबसे पहले माइनस 2,50,000, कितना टैक्स, निल। इनकम कितनी बची, 17,50,000। इसमें से दूसरा गैप कितना है, 2,50,000, 2.5 लाख। कितना बच गया, 15 लाख। इसके ऊपर टैक्स कितना है, 5%। 15 लाख, दो गैप खत्म। तीसरा गैप कितना है, 5 लाख।
कितना टैक्स है 20%, इनकम कितनी बची 10 लाख, 10 लाख किससे ऊपर है, ये अबव में आ गया, तो अपने आप में ये हो गया थर्ड, ये हो गया सेकंड, ये हो गया फर्स्ट, और ये हो गया हमारा अपने आप में फोर्थ, इसके ऊपर 30%। ठीक है, तो क्लियरिटी क्या हो गई, सिंपल से फंडा, इसके ऊपर जीरो, दूसरे पे ये स्टैंडर्ड रहता है, देखो 12,500, 12,500, दूसरे तीसरे के ऊपर 1 लाख, क्योंकि 5 लाख का 20% 1 लाख होता है, और तीसरे के ऊपर 10 लाख का 30% 3 लाख, टोटल कितना हो गया 3 और 1 4, 4,12,500। अब आप खुद सोचो, अगर आपने ये किया कि डायरेक्टली 30% लगा दिया इस 20 लाख के ऊपर, तो आप कितना टैक्स देते हो 6 लाख रुपए। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि भैया हमारा स्लैब सिस्टम है, 6 लाख नहीं चाहिए, आपका कम बन रहा है, कम दो, 2.5 लाख तक पे 0, उसके अगले 2.5 लाख पे 5%, उसके 5 लाख पे 20%, उसके अगले पे जो बचेगा 30% स्लैब। ठीक है, अगर अब आप कैलकुलेशन कैसे करना, क्योंकि ये YouTube चैनल है तो प्रैक्टिस ज्यादा इतनी नहीं हो पाएगी, आप बस अपनी प्रैक्टिस करते रहो, जो डाउट होता है नीचे कमेंट में लिख के मुझसे पूछते रहो। अब इसी को कैसे प्रैक्टिस करना, कि इनकम जो मर्जी लो, लेकिन सोचो कि वो 60 से लेकर 80 साल तक का इंडिविजुअल है, या 80 से ऊपर है तो क्या होगा। अब मैंने जैसे आपको कहा था कि याद कैसे करते हैं, स्लैब कैसे याद करेंगे सर, बड़ा मुश्किल काम है, तो बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ये समझ सकता हूं कि आपको आ गया होगा, नहीं तो आपका YouTube का एक ही बेनिफिट है, आप रिवाइंड करो, देखो रिवाइंड करो, देखो देखो। सबसे अच्छा पॉइंट क्या होता है, हमारे पास दो रेट फिक्स है, वो रेट कैसे फिक्स है, 5 लाख से, 5 लाख एक बोलते हैं इसको, 5 लाख नहीं बोलना चाहिए, 5 लाख से 10 लाख तक हमारा रेट है 20%, और मोर देन 10 लाख 30%। बस ये तो हमारा स्टैंडर्ड है, फिक्स है, तो हमारा इसके ऊपर ये है जो है इंडिविजुअल, 60 साल तक, 60 से 80, 80 से ऊपर। तो अगर मैं इंडिविजुअल हूं 60 साल तक या 60 से 80, तो डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा इंडिविजुअल के लिए अप टू 0 टू 60 के लिए, देखो मैं करूंगा मिटाऊंगा सिर्फ, अप टू 2.5 लाख, अप टू 2,50,000 ले लें, और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है। ठीक है, ये इंडिविजुअल अभी हम एग्जांपल भी किया था, लेकिन अब हम कहते हैं कि नहीं, और बाकी देखो कॉमन हो गया सब चारों, हमने कहा नहीं सर 60 से 80 हुआ तो क्या करेंगे, ये लो सर बहुत सिंपल, देखो मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ एक टीचर का बड़ा फायदा है, रजिस्टर से मिटा दो काम खत्म, 60 से 80 हो तो सर 3 लाख तक की छूट है आपको, और 3 लाख एक से 5 लाख तक 5%, तो 2.5 की जगह 3 लाख हो गया। ठीक है, याद हो गया आराम से, और सीनियर सुपर सीनियर हो गया तो सर सुपर सीनियर का तो और बढ़िया काम है, क्या बढ़िया काम है सर, ये देखो सर अप टू 5 लाख तक निल, काम ही खत्म। तो मतलब 5 लाख से 10 लाख पे 20% है, 10 लाख से ऊपर 30% है, वो स्टैंडर्ड है, बाकी ऊपर ही दो याद करने हैं आपको सिर्फ। ठीक है, और रेट क्या रहेगा, या तो निल होगा, या 5% या 20% या 30%, इसके अलावा कोई रेट नहीं होगा। तो चाहे यहां से देखोगे तो वह शैबी कर रखा है, चाहे बड़ा बड़ा करके देख लो, आपको ऐसे याद करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, टैक्स स्लैब कैसे होते हैं और उसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से टॉपिक आप करो, ऐसे कौन से टॉपिक आप करो, अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है इनकम टैक्स पढ़ने का और एग्जाम सर पे खड़े हैं, तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक करो कि आप आराम से 60% तक मार्क्स ले आओ, 60-70% तक, 100% नहीं कह रहा, 60% तक आप ला सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, अभी के अभी जैसे हमेशा बोलता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी फीस पे करो, वो मेरी फीस है। ठीक है, मेरी फीस वही है, वर्ल्ड के किस कोने में मैं बैठा हूं, कहां पे आप बैठे हो मुझे नहीं पता,
अच्छा लगेगा कभी कमेंट में डाल दिया करो कि मैं यहां से हूं, मैं वहां से हूं, मुझे अच्छा लगता है देख के। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि इनकम टैक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लेक्चर लगातार आएंगे, आपको पता चलता रहेगा, और डेली बेसिस पे कोशिश कर रहा हूं कि आपको लेक्चर मिल जाए। नंबर टू, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है, दुनिया में एडवाइस लेते फ्री हो तो एडवाइस दे भी दो ना किसी को, कौन सा मैं फीस लेने घर जा रहा हूं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ उनको प्रमोट करो, इस चैनल को जितना ग्रो करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के लिए जरूर जल्दी से आना, दैट इज अबाउट ऐसे कौन से टॉपिक करें कि आपके 60% आ जाए इनकम टैक्स में। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।